MIUI 11 थीम। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल लाजवाब इस थीम के फीचर हैं जो इसे बनाते हैं नंबर 1 MIUI 11 थीम। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस थीम के जो फीचर हैं वो काफ़ी हद तक पसंद आने वाले हैं। गाइज, ये कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है, ये थीम सिंपल सी आपको थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगी। गाइज, वीडियो को कर दीजिए लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं 50, उम्मीद करते हैं ज़रूर से आप इसे पूरा करोगे। तो दोस्तों, थीम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी कमाल की थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकॉन्स काफ़ी एनिमेटेड आइकॉन आपको इस थीम में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस थीम पर आपको जो लॉक स्क्रीन है वो काफ़ी कमाल का लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है और आप इसे कस्टमाइज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है सब्सक्राइब टेक्निकल विकी जोन। इसके अलावा काफ़ी कमाल के आपको चार्जिंग एनिमेशन इस थीम में देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया है, तो वो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आप इसके होम स्क्रीन की जो डेस्क क्लॉक है उसे भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। गाइज, यदि आपको इसे कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ ऑप्शन में जाइए और कस्टमाइज़ आप इसे कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको चार्जिंग स्टाइल भी यहाँ पर 3 तरह से मिल जाती है, जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रिम चार्ज टेक्स्ट 1 है, वहाँ पर मैंने जो सुपर फास्ट चार्जिंग है उसके वोट देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सेट किया हुआ था। इसके अलावा मैंने जो अपना नाम सेट किया था वो यहाँ से सेट किया था। तो काफ़ी कमाल की दोस्तों ये थीम है। इस थीम का नाम की बात की जाए तो वो भी मैं यहाँ पर आपको जल्दी से बता देता हूँ इस थीम का नाम। तो गाइस, इस थीम का जो नाम है वो है फ्यूचर V11। ये कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है, ये आपको प्ले स्टोर थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एनिमेटेड आइकॉन देखने को मिल जाते हैं, जो भी काफ़ी कमाल के यहाँ पर हमें लगते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की, ज़रूर से आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग में भी यहाँ पर ज़रूर से आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉलिंग की बात की जाए तो कॉलिंग स्क्रीन में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा गाइज, लेकिन जो डायलर है वो यहाँ से पूरी तरह बदल दिया गया है इस थीम में। साथ ही आपको मैसेजिंग ऐप में भी चेंज देखने को मिल जाएगा और काफ़ी कमाल की ये थीम हमें देखने में लगती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो होम स्क्रीन है यहाँ पर काफ़ी सारा जो एनिमेटेड चीज़ें दी गई हैं ये भी काफ़ी कमाल हमें देखने में इस थीम में लगती हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये थीम पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी थीम वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। बाय बाय गाइज, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का।